global crisis in the economy that we're facing than India is. Only India can manage global economical crisis. ये statement है Australian High Commissioner की, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है कि India एक ऐसी place है जो कि अपना role play कर सकती है different way में global economical crisis को control करने. हालात नाज़रीन कुछ ऐसे हैं कि आटा जो है उसका बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा होता जा रहा है, और सबसे ज्यादा इससे जो मुतासर हो रहा है वो केपी की और बलूचिस्तान है, जहाँ पर एक तो आटा नायाब हो चुका है, गंदम दस्तियाब नहीं है, दूसरे जाने कीमतों में इजाफा होता जा रहा है. चाइना में आप जानते हैं एवर ग्रांडे मुंह के बल गिरा है, जो कुछ आईफोन की फैक्ट्री में हुआ वहाँ भी अनरेस्ट है. आटा मिलता है, उसकी हालत यह है कि इंसान तो क्या जानवर भी वो नहीं खा सकते, ये अलमिया है. बम हमारे पास है, पता नहीं कौन कौन से कोई 500 किस्म के मिसाइल्स हमारे पास हैं, लेकिन वो बात फिर आती है कि खाने को हमारे पास दाने नहीं है. इस वक्त आटे की जो हालत है, 3000 रुपए में आपको 20 केजी का बैग मिल रहा है, वो भी बड़ी मुश्किल से. ना सिर्फ हम, ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, यूएस हो, कोई भी कंट्री है वो उनकी तारीफ कर रहे हैं, और मजबूरी बन चुका है इंडिया इस दुनिया की. इस वक्त लगता है कि बिल्कुल एक जाल में फंसे हुए हैं और बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रहा है सिलसिला, और आहिस्ता आहिस्ता हम हिमालय की तरफ. भारत एक भी इस वक्त जिस तरह तरक्की कर रहा है, इसके साथ हमारी ट्रेड बंद है इंडिया के साथ, वो ऑस्ट्रेलिया जैसा कंट्री है. ओनली इंडिया कैन मैनेज ग्लोबल इकोनॉमिकल क्राइसिस, ये स्टेटमेंट है ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर की, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है कि इंडिया एक ऐसी प्लेस है जो कि अपना रोल प्ले कर सकती है डिफरेंट वे में ग्लोबल इकोनॉमिकल क्राइसिस को कंट्रोल करने में या फिर मैनेज करने में. इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि अगर दुनिया की मुख्तलिफ कंट्रीज ये सोच रही है कि इंडिया जो इस टाइम ग्लोबल इकोनॉमिकल सिचुएशन चल रही है उसको मैनेज कर सकता है, G20 का भी प्रेसिडेंट बन चुका है, तो फिर पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, क्या इंडिया के साथ अगर रिलेशन बेहतर होते तो हमें कुछ बेहतरी की उम्मीद थी, जैसा कि इंडिया ने श्रीलंका को भी सपोर्ट किया और अपने नेबर कंट्री के साथ रिलेशन काफी हद तक बेहतर है इकोनॉमिकली. इसी वजह से पाकिस्तान की पब्लिक क्या राय रखती है? ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर ने रिसेंटली अभी स्टेटमेंट दी है कि इंडिया ग्लोबल इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए बेस्ट प्लेस है, और इसके अलावा उन्होंने बोला है कि G20 का प्रेसिडेंट बन चुके हैं इंडिया, तो इसलिए वो काफी पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए पूरी दुनिया की. क्या कहना चाहेंगे आपके, अगर हमारे रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर होते तो हमारी भी इकोनॉमी कहीं ना कहीं बेहतर होती? हमारी इकोनॉमी बेहतर हो सकती है, लेकिन हमारे जो इन्वेस्टर है ना पाकिस्तान का, वो मुखलिस नहीं है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट करता वो कहता है कि मैंने इन पे एहसान कर दिया इस कॉम के ऊपर, तो वो उससे पहले अब इंडिया में देख लें कितनी कितनी बड़ी कंपनियां वो करती हैं. उनकी तो अपनी मेड इन इंडिया बहुत, किसी भी इंडस्ट्री की बात कर लें आप, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात कर लें आप, ये ज्वेलरी की इंडस्ट्री की बात कर लें, गारमेंट. हमारे यहाँ जो ठेका लेता है ना वो पहले कहता है मुझे कितने पैसे दोगे, इसलिए जो ना वो यूरोप का जो मोर या मिडिल ईस्ट का कहीं का भी इन्वेस्टर है ना वो पैसा नहीं लगाता, वो इसी वजह से पैसा नहीं लगाता. आप देख लें इंडिया के अंदर कितनी कितनी बड़ी कंपनियां जो हैं वो सर्वाइव कर रही हैं अपने आप को, क्यों? कि वो उनके साथ फेयर चल रहे हैं. हमारे यहाँ फेयर नहीं चल रहे, पहले कहते मेरा पेट भर दो बाकी ये मरता तो मरे. ठीक है, कमीशन का चक्कर आ जाता है, कमीशन का चक्कर आ जाता है, सीधी सी बात है. क्या वजह है कि इस टाइम इंडिया दुनिया की मजबूरी बनता जा रहा है? मतलब कोई चाहते और ना चाहते हुए भी इंडिया की तारीफ करने में मजबूर है, कोई दुश्मन है कोई दोस्त है, जब दुनिया को नजर आ रहा है कि वो कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, कभी ऑस्ट्रेलिया तारीफ करता है, कभी यूके तारीफ करता है, कभी यूएस कहता है कि इंडिया हमारा बेस्ट अलायंस है, क्या वजह है? उनकी पॉलिसी कोई बेहतर है या उनके लोग बेहतर है, एजुकेशन उनके पास एजुकेशन बहुत है और वो हमसे ज्यादा बेहतर है, इसलिए बेहतर है कि मैंने आपको बताया ना कि वो अपना पहले फायदा नहीं सोचते, वो कंट्री का सोचते कि हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी इससे हम सबको फायदा होगा, लॉन्ग टर्म सोचते हम सोचते कि पहले हमारी जेब भर जाए फिर बाद में देखेंगे कि क्या करना क्या नहीं करना, इस वजह से हम पीछे. खुदा की कसम खा के कहता हूँ मैं हैरान हूँ, यहाँ पे काजू 6000 रुपए किलो, 3000 रुपए किलो, और अब एक जूस में आ रहा था उसमें खजूर काजू पिस्ता डाल के, मैं कहा शायद देगा कोई 200 का ग्लास लेगा, और दूध इतना गाढ़ा कि उसने डाल के था कितने पैसे कहते 70 रुपीज. मैं यकीन खुदा की मेरे आंखों में आंसू आ गए, मैं कह हमारे पाकिस्तान में ये चीजें हो रही है कि हम 6000 का किलो बेच रहे हैं, वो 70 रुपए का ग्लास दे रहा है, एक दावा इतनी आसानी से चीजें दे रहा है, मैं सोच के इतने अगर कंपैरिजन करें इंडिया और पाकिस्तान का इतना फर्क है. पहले माशाल्लाह हमारा करेंसी जो थी ऊपर थी, इंडिया की नीचे थी, आज देख लो वही मुल्क है वही चीज है ना, लेकिन हमारे में से नीयतों में फर्क आ गया, जो उनकी नीयत
ठीक है, हमारी खराब है। हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए, मैं ये जरूर कहूंगा हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए। दिल की बेईमानी इस कदर हो गई है कि हम लोग गिर गए, लेकिन फिर भी समझ नहीं आती, समझ नहीं आती क्या वजह है, क्या ऐसी उनकी पॉलिसी ऐसी क्या है कि देखें आज हम यहाँ पाकिस्तान में खड़े होके देखें, नो डाउट कि जो सच है, जो हक है, जो उसकी तारीफ करनी चाहिए, नो डाउट, लेकिन क्या वजह कि आज उनकी तारीफ करने पे मजबूर हो गए इंडिया वालों की, और ना सिर्फ हम, ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, यूएस हो, कोई भी कंट्री है वो उनकी तारीफ कर